तो आइए दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपना ही YouTube चैनल माई टिक्स वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है चलाना बताएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप चलाना नहीं जानते हैं, अभी तक आप जो है अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्टर नहीं किया है, तो आज का ये स्पेशल पूरा वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते तो आप जो अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप जो चलाना सीख जाइएगा, साथ ही साथ आप उसमें रजिस्टर कैसे करते हैं वो भी जो है सीख जाइएगा। तो काफ़ी फायदे का ये ऐप है, मोदी सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया है। और ये ऐप जो है आपको ये बताएगा कि आपके आसपास में कोरोना का मरीज कहाँ पे है, या आप जो है किस जोन में रहते हैं, ग्रीन जोन में या रेड जोन में या येलो जोन में रहते हैं, या आप जो है कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है कितना डेंजर जोन है, येलो जोन है या ग्रीन जोन है, ये सब जो है आपको बताएगा। आप किसी व्यक्ति से भेंट करते तो ये भी बताएगा कि वो जो है कोरोना से जो है संक्रमित है या नहीं संक्रमित है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आपको अपना जान बचाने के लिए इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर रखना चाहिए। और इससे एक और भी फायदा होने वाला है आगे चल के, कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन पास जो है एक देता है, जिसके चलते हो सकता है कि आपको भविष्य में काम आ जाए। तो इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में ज़रूर रखना चाहिए। ये ऐप जो है काफ़ी काम का है। ये ऐप जो है आपको कोरोना मरीज का जानकारी भी देगा कि अभी जो इंडिया में कितना कोरोना मरीज है, और आपके आसपास में जो है कितना कोरोना का मरीज है, ये सब कुछ जो है बताने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं चाहता हूँ कि आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबके तरफ से इस वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक जो है आ जाए। तो इस 2000 लाइक रिक्वेस्ट को आपको पूरा करना है। उसके लिए फ्रेंड आपको करना क्या है, मेरे वीडियो को जो है यहाँ से आपको लाइक कर देना, और बगल में एक शेयर का ऑप्शन है जिस पर टच करके इसे अपने दोस्तों के पास आपको फेसबुक पे शेयर कर देना है या व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है, जिससे आपका दोस्त लोग भी जो है ये वीडियो देख सके और वो भी जो है अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप जो है चलाना सीख सके। तो काफ़ी काम का ये एप्लीकेशन है, ये वीडियो भी जो है काफ़ी काम का है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा हर एक वो आदमी तक जो आदमी आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन में नहीं रखे हुए है। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड नीचे जाके एक प्यारा सा कमेंट आप लिख दीजिएगा आरोग्य सेतु, इससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोग में से कितने ऐसे व्यक्ति जो है यहाँ पे ये ऐप जो अपने फ़ोन में इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ पे आरोग्य सेतु, यहाँ पे आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा एक बटन मिलेगा, इस पर टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को ऑन कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरह का हमेशा जो है लगातार नया वीडियो आता रहता है जो कि आपको देखने को मिलेगा, और आप जो हर रोज़ नया ट्रिक जो है सीख पाइएगा। अब फिर बात करते हैं कि इस ऐप को यूज कैसे करना है। तो इस ऐप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का टाइटल पर टच कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा और उसके अंदर एक लिंक होगा, लिंक पर टच करके आपको क्या करना है ऐप को अपने फ़ोन में जो है डाल लेना है, या आप इसको प्ले स्टोर से भी जो है इंस्टॉल जो है कर सकते हैं। आपको सीधा क्या करना है, प्ले स्टोर पर चले जाना है। तो ये रहा प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पर चले जाना है और आपको यहाँ पे आरोग्य सेतु जो है लिख कर सर्च करना है। आरोग्य सेतु जैसे ही लिख कर सर्च कीजिएगा ये एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको क्या करना है इंस्टॉल जो है कर लेना है। देख लीजिए 10 MB जो है इसका डाउनलोड है और 4.5 का रेटिंग है, काफ़ी अच्छा जो है इसका डाउनलोड भी और रेटिंग भी जो है काफ़ी अच्छा है। तो इसको जो है हम इंस्टॉल कर लिए, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करने के बाद जब पहली बार ओपन कीजिएगा तो इस तरह से ओपन होगा। आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट करें, हिंदी भाषा सबको समझ में आती है, तो यहाँ पे हिंदी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे टच करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको पूरा जो है यहाँ पे डिटेल पढ़ के बता रहे हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हम सभी में भारत में फैल रहे कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है, तो ये फर्स्ट डिटेल है जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए और डिटेल है, क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति COVID-19 से पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है, तो यहाँ पे दूसरा डिटेल है। उसके बाद हम आगे पे टच करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ और लोकेशन है, ये आपके फ़ोन का ब्लूटूथ और लोकेशन जो है हमेशा ऑन करके रखेगा। सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके समाप्त सतर्क संपर्क को ट्रैक करता है, तो आप जिसके भी संपर्क में जा रहे हैं ये ब्लूटूथ और यहाँ पे लोकेशन से जो है ये ट्रैक करता है कि आप जिसके संपर्क में जा रहे हैं वो COVID-19 से पॉजिटिव तो नहीं है। उसके बाद आइए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले एक में ये ऐप इंस्टॉल करना है, दो में ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करके रखना है। हम आपको पहले भी बताया कि ब्लूटूथ और लोकेशन आपको हमेशा ऑन करके रखना है अगर आप इस ऐप को डाल लेते हैं तब। ऐसा इसलिए ताकि जान सबसे ज़्यादा प्यारा है हर किसी को, यहाँ पर जान बचाने के लिए ये ऐप जो काफ़ी अच्छा है।
उसके बाद अपनी लोकेशन शेयरिंग को ऑलवेज पर सेट करें। देख सकते हैं लोकेशन को जो है ऑलवेज पर सेट करें, इसको जो है ऑन करके रखना है। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपने दोस्तों और परिवारों को भी आमंत्रित करें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने घर परिवार सबको ये वीडियो शेयर करें, ताकि हर कोई जो है इस ऐप को इंस्टॉल करे, हर कोई ये वीडियो जो है देखे। उसके बाद आगे पे टच करें। देखिए, यदि आप अपने अनजाने में किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। यदि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के जो कोरोना पॉजिटिव उसके संपर्क में आते हैं तो आपको ये सूचित करके बताएगा कि ये कोरोना पॉजिटिव का जो है मरीज है। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में कोरोना के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। और ये ऐप जो है आपको सहायता भी करेगा अगर आपको मान लीजिए खुदा न खास्ते ये लक्षण अगर दिखाई भी पड़ता है तो। चलिए आगे पे टच करते हैं। आगे पे टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं को, अपने परिवार को और मित्रों को भी सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इसे लड़ने में सहायता भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे जो है बात बताया जा रहा है कि हम जो अपना तो सुरक्षा कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने परिवार को भी सुरक्षा कर सकते हैं और इससे जो है देश को लड़ने में भी जो है सहायता कर सकते हैं देश हित में। उसके बाद यहाँ पे हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित, और यहाँ पे देखिए रजिस्टर करें, रजिस्टर पे आपको टच करना है और फिर से जो यहाँ पे नियम दिया हुआ है मोबाइल लोकेशन ऑन करके रखना है, ब्लूटूथ ऑन करके रखना है और डाटा शेयरिंग ऑन करके रखना है। मैं सहमत हूँ इस पे जो है आपको टच करना है। उसके बाद अलाउ मांगेगा, अलाउ आपको देना है, ये आपके ब्लूटूथ को ऑन करेगा फर्स्ट में। उसके बाद आपको लोकेशन को भी ऑन करेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है तो एक मोबाइल नंबर हम डालकर जो है सबमिट करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो मोबाइल नंबर हम डाल दिए, उसके बाद सबमिट पर टच करेंगे। उसके बाद इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और ऑटोमेटिक जो ये OTP डिटेक्ट कर लेगा और इस ऐप के अंदर जो है हमें भेज देगा। अब देखिए व्यक्तिगत विवरण आ गया और आपका लिंक क्या ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो भी लिंक है पुरुष या स्त्री यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, हम पुरुष देते हैं। उसके बाद पूरा नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे हम अपना नाम जो है दे देते हैं, राम बाबू कुमार, ये देखिए। उसके बाद आयु पूछ रहा है तो यहाँ पे हम आयु जो है दे देते हैं, ये देखिए। उसके बाद व्यवसाय पूछ रहा है तो व्यवसाय में अगर आप इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे टच कर सकते, नहीं आते तो इनमें से कोई नहीं पे टच करना है। पिछले 30 दिनों में किस देशों का भ्रमण किया है, तो जो देश आप भ्रमण किए यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं किए तो नन पर आपको टच कर देना, ठीक है। जरूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि है, आप कोई सामान जो है खरीदने खुद जाते हैं या आपके घर के कोई दूसरा व्यक्ति जाता है ये बता रहा है, तो आपको यहाँ पे हाँ या नहीं पर जवाब जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे दिए। सबमिशन की पुष्टि करें, सबमिट या प्रस्तुति सबमिट करें, ये देखिए। क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो हाँ। 20 सेकेंड के सेल्फ आइसोलेट टेस्ट, आपको जो है आत्मश्वसन परीक्षण करना है खुद से, तो यहाँ पे हाँ और या बाद में आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे टच कर देते हैं। उसके बाद ठीक है समझ गए, इस पर आपको टच करना। अब देखिए यहाँ पे क्या बात लिखा किया गया, कृपया ध्यान की दे कि इस काल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोरोना के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। तो ये जो कॉल की जानकारी है, उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोरोना के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों से किसी का अनुभव कर रहे हैं, खांसी बुखार सांस लेने में दिक्कत, इनमें से कोई लक्षण है आपके पास, तो यहाँ पे है तो आपको बताना है, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं बताना है। क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोगों में से कुछ भी कभी हुआ है, तो अगर है तो हाँ, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आपको जवाब देना है। क्या आप पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, की है तो हाँ, नहीं किया है तो यहाँ पे हाँ या नहीं आपको देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें गलती से हाँ दिया गया, अगर आप नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं, आप बाद में इसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बाद में जो है कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बताएगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमीडिएट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन में है जो है जोन में है, तो यहाँ पे आप चाहे तो फिर से टेस्ट अगेन पे टच करके फिर से जो है ये जानकारी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज फिर से सिलेक्ट करते हैं और फिर से जो है जानकारी जो है वहाँ पे हम पास करते हैं, ठीक है। ये देखिए ठीक है समझ गए, अब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला हमें ऑप्शन आ गया, जो कि हम पहले विदेश यात्रा में हाँ दे दिए थे, तो यहाँ पे हम फिर से नहीं दिए, जो कि विदेश यात्रा हम नहीं किए तो यहाँ पे नहीं दिया। अब देखिए नीचे लिए विकल्पों में कौन सा जो है आपके लिए लागू होता है, तो हाल ही में किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से मिलान हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ, तो यहाँ पे, या मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ, इसमें से कोई अगर आप है आपके ऊपर लागू होता है तो हाँ या ना इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आपके संक्रमण का जोखिम कम है, हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर के बचने के लिए घर पर ही रहें और आप लक्षणों का विकास करते किसी भी
पुष्ट रोगी के संपर्क में आते ही स्वतः निर्धारित टेस्ट का दोबारा करें। अगर यदि अगले दो हफ्तों में आपको खांसी बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई होती है तो आप तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। ओके पे हम टच कर देंगे। अब देखिए ये हमें जो बता रहा है यू आर सेफ, जो कि विदेश यात्रा पे जो हम टच कर दिए तो यहाँ पे पीला जो है आ गया था, जो कि यहाँ पे येलो जोन में हमें भेज दिया था, तो यहाँ पे हम अभी सेफ जोन में है। सेफ जोन में तो यहाँ पे ये ग्रीन है। इस तरह से अगर आप कहीं भी जाते हैं तो ये आपको बताएगा कि आप सेफ जोन में है या रेड जोन में है या डेंजर जोन में है, सब कुछ जो है बताएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेन आपको सोशल डिस्टेंसिंग करके रखना है, आपको खुद से जो है फीवर चेक करना है बार बार, उसके बाद चेक ऐप रेगुलेटरी अपडेट, इस ऐप को जो है आपको हमेशा जो है चेक करना है रोज बाय रोज, जो है यहाँ पे टेस्ट अगेन पे टच करके आपको चेक जो है करते रहना है। यहाँ पे सेल्फ एसेट है तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ है जो हम आपको चेक करके दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हो कोविड अपडेट है, तो अभी कॉन्फर्म केस इंडिया में कितना हुआ ये बता रहा है और रिकवरेड कितना हुआ ये बता रहा है, और आज देख सकते 1329 के सभी जो है इस पर ऐड हुआ है। यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति जो है यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव से मौत के मुंह में चले गए वो जो है यहाँ पे बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, देखिए महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, गुजरात, कहाँ पे कितना केस है ये सब जो है यहाँ पे बता रहा है। तो फिलहाल में बिहार से, तो बिहार में देख सकते 114 केस है जिसमें 42 जो है रिकवरी है और 2 का जो है यहाँ पे डेट जो है हो गया है, और कल जो यहाँ पे 18 व्यक्ति को बिहार में जो है ऐड किया गया। तो इस तरह से आप अपने आसपास के जो है जानकारी भी जो है ले सकते हैं। अपडेट 11:28, तो 11 घंटा पहले जो है इस ऐप में अपडेट किया गया था इस कोरोना वायरस के सारे मरीज के नंबर को। अब ई पास का ऑप्शन है तो यहाँ पे ई पास का ऑप्शन जो है अभी अवेलेबल नहीं है, देख सकते नो ई अवेलेबल। हो सकता है भविष्य में अगर कहीं आप जो है यात्रा करते हैं, कहीं आते जाते या होटल वोटल में कहीं जाते, कहीं सामान वामान खरीदने जाते हैं तो यहाँ पे ई पास का एक ऑप्शन आएगा भविष्य में, जिससे आप जो है खरीदारी शायद कर पाइएगा। तो ये ऑप्शन अभी नहीं जुड़ा है, भविष्य में शायद आ जाए। तो इस तरह से आप आरोग्य सेतु ऐप को जो है यूज करना आज सीख गए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑन जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।